क्या होता है एंटी डंपिंग शुल्क? एंटी डंपिंग शुल्क जिसे भारत ने चीनी उत्पादों पर लगाया है, इसे कितना कुछ बदलेगा? आइए हम इस वीडियो में जानेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, एंटी डंपिंग शुल्क क्या होती है, जिसने भारत यानी भारत ने चीन के उत्पादों पर लगा दिया है, इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे यहां आप देखते हैं कि सस्ते उत्पादों के आयात को रोकने और भारत में बने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी सामानों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। क्या होता है एंटी डंपिंग शुल्क, इसे देश पर क्या असर पड़ेगा और व्यापार के मामले में चीन के साथ 2021 कैसा रहा, जानिए इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि चीन से आने वाले 5 उत्पादों पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया भारत सरकार के द्वारा। सस्ते उत्पादों के आयात को रोकने और भारत में बने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी सामानों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। चीन से आने वाले 5 उत्पादों पर यह शुल्क 5 साल के लिए लगाया गया है। इनमें एल्यूमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पाद, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, उसके अलावा जो है सिलिकॉन सिलेट, हाइड्रोक्लोरोफॉर्म कंपोनेंट R32 और हाइड्रोक्लोरोफॉर्म क्लोरो कार्बन मिश्रण शामिल है। मतलब ये सब चीज जो है अगर ये चीन से आते तो इसमें क्या किया गया है, तो इसमें जो है आपको यहां पर आप देख रहे हैं एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया कौन पर है, तो यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं ये सब है, ठीक है ना। तो इधर मैं ये इसको हाईलाइट कर देता हूं, आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहां पर जो है ये सब, ये सारे जो है इस सब चीजों पर आपको लगाया गया है, ठीक है। सिलिकॉन सिलेट है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, कंपोनेंट R32 है और हाइड्रोक्लोरोक्लोरोकार्बन क्लोरोकार्बन, उसके अलावा जो है एल्युमिनियम है, फ्लैट रोल्ड उत्पादक है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, इस सब चीजों पर जो है भारत ने चीन पर जो है लगा दिया है। क्या होता है एंटी डंपिंग शुल्क, से देश पर क्या असर पड़ेगा और व्यापार के मामले में चीन के साथ 2021 कैसा रहा, जानिए इन सवालों के जवाब। तो देखिए मैं आपको बता दूं क्या होता है एंटी डंपिंग शुल्क। आसान भाषा में समझे तो घरेलू बाजार को सस्ते विदेशी प्रोडक्ट से बचाने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। जब कोई देश किसी उत्पाद को उसकी कीमत से भी कम कीमत पर निर्यात करता है तो उसे डंपिंग कहते हैं। देखिए डंपिंग का परिभाषा, यानी जब कोई देश किसी उत्पाद को उसकी कीमत से भी कम कीमत पर निर्यात करता है तो उसे डंपिंग कहते हैं। इस डंपिंग से जिस देश में निर्यात किया जा रहा है वहां बनने वाले प्रोडक्ट की कीमत पर असर पड़ता है, वहां की कंपनियों का मुनाफा प्रभावित होता है, ठीक है। इसे चीन के ही एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर चीन में किसी उत्पाद की कीमत 100 रुपये है, वह उसे 70 या 80 रुपये में किसी दूसरे देश को निर्यात करता है, तो आयात करने वाले देश की सरकार चीन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा सकती है। इसे आयात करने वाले देश की उन कंपनियों को नुकसान नहीं होगा जो उसी तरह के प्रोडक्ट को तैयार कर रही है, इस तरह डंपिंग पर रोक लगा सकती है, ठीक है ना सरकार। भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी, लेकिन व्यापार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। आगे हम आपको बता दें कि 2021 में भले ही भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी रही हो, लेकिन व्यापार के मामले में स्थिति बेहतर रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। 1 जनवरी से 30 नवंबर 2021 के बीच दोनों देशों के बीच कुल 8.57 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है। कितने का कारोबार हुआ है, तो कुल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने का कारोबार हुआ है। आपको यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप समझ सकते हैं, ठीक है। या पिछले साल के आपको मैं बता दूं कि मुकाबले 46.4% ज्यादा है। कारोबार के ग्राफ पर नजर डाले तो चीन ने भारत को निर्यात ज्यादा किया और आयात कम किया है। यानी चीन ने क्या किया, भारत को निर्यात ज्यादा किया और आयात कम किया। इस साल पिछले 11 महीनों में भारत ने चीन से 6.59 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा है। यह पिछले साल के मुकाबले 49% तक ज्यादा रहा। वही भारत ने चीन को 1.98 लाख करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 38.5% तक ज्यादा है। फिर भी भारत घाटे में रहा, ठीक है। अब देखिए भारत ने चीन को 38.5% ज्यादा निर्यात किया, फिर घाटे में क्यों है भारत, तो देखिए मैं आपको बता दूं देश में बनी चीजों को निर्यात करने से फायदा होता है। पिछले साल के मुकाबले 2021 में भारत ने चीन को 38.5% ज्यादा निर्यात किया है, तो भी देश को व्यापारी घाटा क्यों हुआ है, अब इसे समझ लीजिए कैसे, तो मैं आपको बता दूं। जब कोई देश निर्यात के मुकाबले आयात अधिक करता है तो देश व्यापारी घाटे से जूझता है। यानी जब कोई देश होता है निर्यात के मुकाबले आयात कम करता है, ठीक है, आयात मतलब आना, आयात कम करता है तो वह देश व्यापारी घाटे से जूझता है। आसान भाषा में समझे तो उस देश में पैसा आ कम रहा है और वहां से ज्यादा जाता रहता है। इसे ही आम भाषा में व्यापारी घाटा कहते हैं, वही बिजनेस की भाषा में ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। अगर हम आयात को बढ़ाएंगे और निर्यात को घटाएंगे तो यह घाटा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। यानी हमारे देश से जो है निर्यात के मुकाबले आयात अधिक करता है,
ठीक है, और अपने देश का पैसा चल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, भारत ने चीन से आ रहे सस्ते उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर उसे रोकने की रणनीति अपनाई, इससे देश में आयात कम होगा और भारत में बनने वाले उत्पादों का इस्तेमाल और निर्यात बढ़ सकेगा। ठीक है, ऐसा होने पर देश की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर फायदा होगा। भारत और चीन एक दूसरे से कौन कौन से चीजें आयात करता है, आज हम आपको बताएंगे। भारत चीन से जो चीजें आयात करता है उनमें इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, टेलीफोन इक्विपमेंट और वीडियो फोन, साउंड रिकॉर्डर, टीवी कैमरा, ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट्स, फर्टिलाइजर्स और एंटीबायोटिक्स भी शामिल होता है। वही चीन भारत से लौह अयस्क, पेट्रोलियम ईंधन, कार्बनिक रसायन, रिफाइंडर कॉपर, काटन यान, सी फूड, काली मिर्च, वनस्पति तेल, वासा ग्रेनाइट ब्लॉक, बिल्डिंग स्टोन और रॉ कॉटन का आयात करता है। मतलब ये सब चीज वो मांगता है, वो सब चीज ये जो होता है चीन जो होता है भारत से लेता है। ठीक है, और ये सब चीज भारत ने चीन से लेता है, तो ये सब चीज जो है भारत जो होता है चीन से लाता है ये सब चीज, और वही चीन जो है भारत से लेता है ये सब चीज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप जान गए कि क्या क्या चीजें जो होती है, मैं आपको बता दिया हूं एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें।